गुरु एक संस्कृत शब्द है और इसमें गु का अर्थ है अंधेरा और रू का अर्थ होता है दूर करने वाला, यानी जो इंसान हमारे जीवन में ज्ञान के द्वारा अंधेरों को हटा देता है और उजाला लेकर आता है उसे सच्चा गुरु कहा जाता है। गुरु हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करता है और जब तक हमें लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते तब तक वह हमारा मार्गदर्शन करता रहता है। कलयुग में कोई साधु या कोई पुजारी या कोई धार्मिक व्यक्ति हमारा गुरु नहीं हो सकता। सच्चा गुरु वह होता है जो हमें कामयाब बनाने के लिए अपना बहुमूल्य समय दे सके। पैसे से समय को खरीदा नहीं जा सकता, वो तो प्रेम और तपस्या से ही खरीदा जा सकता है। और बंका सर, आप जो कर रहे हैं हमारे लोगों के लिए, अपना क्वालिटी टाइम अपने परिवार से काटकर हम लोगों को दे रहे हैं, वो अतुलनीय है और इसके लिए हम सभी के तरफ से ढेरों साधुवाद। वास्तव में सफलता मन की स्थिति पर बहुत कुछ निर्भर करती है। मन एक पागल बंदर की तरह है जिसको एक जगह टिकाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए एक पुराना भजन याद आ रहा है जिसे गुनगुनाने का मन कर रहा है। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर गुरु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, लोभी मन है कपटी मन है चोर, कहते आए यह पल पल में और, कुछ जान ले कुछ मान ले, होना है विचलित नहीं, कोई दूर गुरु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। सुनील कुमार सुमन, इंडियन बैंक, पटना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, टीचर्स डे की खूब खूब शुभकामनाएं। मेरा नाम जयदीप सिंह राणा है और मैं सूरत से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा वर्षों से चली आ रही है, तो हम कभी न कभी किसी न किसी गुरु के साथ पढ़े होते हैं और गुरु का रोल हमारे लाइफ के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रहता है। गुरु को सतत हमेशा अपडेट रहना पड़ता है। अगर गुरु अपडेट नहीं रहता है तो वो शिष्य को क्या पढ़ाए। तो गुरु का रोल जो होता है हमारे जीवन में बहुत अमूल्य है। वो हमें मोटिवेट करते हैं, वो हमें डायरेक्शन देते हैं हमें किस दिशा में जाना है। अगर हमको सही समय पर सही गुरु नहीं मिलते तो हम भी भटक सकते हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा को संदर्भ में रखते हुए, हम भी एक बैंकर हैं तो बैंकिंग में हमें भी एक चेंजिंग इंडस्ट्री है, चैलेंजिंग इंडस्ट्री है, तो बैंकिंग कंटिन्यू बेसिस पर अपडेट होता रहता है, तो हमें भी कुछ ना कुछ नया रोज डेली बेसिस पर सीखना पड़ता है। तो ऐसे में हमें भी अच्छे गुरु मिले हैं, जैसे कि बैंकिंग ज्ञान केंद्र। बैंकिंग ज्ञान केंद्र में जो हमारे गुरु हैं विजय बंका सर, विजय बंका सर और उसके टीम में है अमृत मल्होत्रा सर है जो अच्छा पढ़ाते हैं हमें, फिर है हमारे जो अमृत बीज सर है और उसके टीम मेंबर्स है। तो वो गुरु शिष्य जो परंपरा है इसमें हम भी अपने गुरु, उसको हम गुरु मानते हैं, तो गुरु मान के हम उनसे सीखते हैं। ऐसे गुरु जब कब अपना आपको अच्छा महसूस करते हैं कि जब इसका शिष्य उनसे भी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा करे, तो गुरु को उनसे बहुत अच्छा आनंद आता है। गुरु अपने शिष्य को डेवलप करने में अपने कारकिर्दी अपने लाइफ का खर्च करता है। तो गुरु का रोल हमारे जीवन में बहुत बड़ा है और टीचर्स ऑलवेज हमें रिस्पेक्ट करना है। और हमें अगर कुछ सीखना है तो पहले हमें अपने आप को अनलर्निंग करना पड़ेगा।
हमको अपना जो ईगो है वो ईगो डाउन करना पड़ेगा। पहले हमको अगर सब कुछ आता है अगर ऐसा समझते हैं तो फिर हम नहीं पढ़ सकते। हमें पहले जो भी है हमें अनलर्निंग करना पड़ेगा। अनलर्निंग करने के बाद हम अगर सीखे तो फिर लर्निंग कर सकते हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा में जो हमने हमारे बैंकिंग ज्ञान केंद्र का जो विजय बांका सर है इसे हम गुरु मानते हैं। और ऐसे ही कहा गया है कि गुरु गोविंद लो खड़े काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद भी बलिहारे। तो गुरु मिलने से हमें गोविंद दिखता है। हमारा जो गोल है, हमारा जो मिशन है, जो विजन है, तो उसमें अगर हमें पहुंचना है तो हमें गुरु के थ्रू, गुरु के मार्गदर्शन से आगे बढ़ना है। और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पावन अवसर पर हम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। आदरणीय विजय सर, आपको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस मौके पर मैं कुछ चंद लाइनें पेश करना चाहता हूं, जो कि इस प्रकार है। एक शिक्षक केवल ज्ञान का स्रोत नहीं होता, बल्कि वह दीपक होता है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर विद्यार्थियों के जीवन में उजाला भरता है। शिक्षक न केवल पुस्तकों का पाठ पढ़ाते हैं, बल्कि हमें जीवन की कठिनाइयों से जूझने और सही दिशा में आगे बढ़ने का साहस भी देते हैं। अंत में कहना चाहूँगा कि आपका समर्पण, धैर्य और मार्गदर्शन हमारे जीवन को आकार देता है। हमें इंसान से इंसानियत सिखाने वाला आपके आभारी हैं। धन्यवाद। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं राजीव नयन आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अगर आपने अपने जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं तो मेरा मानना है कि उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक कुशल प्रशिक्षक, शिक्षक या गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है। उसी कड़ी में मैं पिछले 2 वर्षों से अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा था और मुझे आदरणीय विजय सर का सानिध्य प्राप्त हुआ। आदरणीय विजय सर के कुशल मार्गदर्शन में हमने अपने एग्जाम को क्रैक किया और आज मैं एक शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं अपनी तरफ से आदरणीय श्री विजय सर को और उनकी पूरी टीम का आभार प्रकट करता हूँ और आप तमाम साथियों से अपील करता हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन में लगे हैं और जुड़े हुए हैं तो विजय सर के साथ नियमित रूप से जुड़े रहें और उनके क्लास को अटेंड करें। मेरा मानना है कि आप निश्चित रूप से सफल होंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। शिक्षक दिवस के इस मौके पर हम आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आपने हमें हमेशा सही मार्ग दिखाया। आपके सिखाए गए मूल्यों और ज्ञान के लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। आपने हमारे जीवन में जो योगदान दिया उसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद विजय सर। हैप्पी टीचर्स डे सर। आपके मार्गदर्शन से आज मैं कार्यालय सहायक से अधिकारी बन में प्रमोट हुई हूँ। मेरी इस 2-3 महीने की प्रमोशन की जर्नी में आपका मार्गदर्शन मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है। आपसे बात करके एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और साथ ही 2-3 महीने में बहुत ही बैंकिंग नॉलेज बढ़ा है, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो कि बैंकिंग में सिर्फ हम काम ही कर रहे थे पर हमें बैंकिंग का इतना नॉलेज नहीं था, जो कि आप से जुड़ने के बाद इन 2-3 महीनों में हमने बैंकिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा है। और मैं चाहूँगी कि आप आगे भी मैं आपसे ऐसे ही जुड़ी रहूँ, आपके लेक्चर सुनती रहूँ, इससे अपना और बैंकिंग नॉलेज बढ़ा सकूँ, ताकि मैं बैंक में सिर्फ काम ही नहीं करती रहूँ, काम के साथ साथ मुझे जो मैं काम कर रही हूँ कैसे करूँ उसके बारे में भी मुझे पता होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। आज आपकी के मार्गदर्शन से मैं कार्यालय सहायक अधिकारी पद पर प्रमोट हुई हूँ एंड हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू सो मच। हैप्पी टीचर्स डे सर। आज मुझे ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि आपके मार्गदर्शन और सपोर्ट से मेरा प्रमोशन स्केल 1 से स्केल 2 में हो गया है। सर, आपके पढ़ाए हुए टॉपिक से बहुत हेल्प मिली है। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। सर, आपके पढ़ाने का वे बहुत अच्छा है, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं।
थैंक यू सो मच सर फॉर काइंड सपोर्ट एंड मोटिवेशंस। नमस्कार साथियों, शिक्षा दिवस पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, खास करके विजय सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर जैसे गुरु हमारे जीवन में आए इसके लिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी शिष्य जीवन भर बनी रहूँ। सर से जो ज्ञान का भंडार हमको मिला है वो शायद हमारे बैंकिंग करियर में बहुत आगे तक हमको लेके जाएगा। सर से जुड़ने का जो माध्यम रहा है मेरा वो लास्ट मेरे बैंक का जो प्रमोशन एग्जाम हुआ था उसके क्लासेस के थ्रू मैं सर से जुड़ी थी और सर की मार्गदर्शन से मैं अपने उस परीक्षा में अव्वल आई थी, मतलब मेरा जो सिलेक्शन था वो टॉप में था। तो मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है कि मैंने बहुत शॉर्ट टर्म में सर की गाइडेंस से और सर जैसे गुरु की जो सर ने हमको सिखाया पढ़ाया उससे हमको इतना अच्छा हमको मटेरियल मिलता है कि जिससे हम अपने डे टू डे बैंकिंग में भी और प्रमोशन के एग्जाम में भी इतना अच्छा कर पाते हैं कि जिसके लिए हम 100% कॉन्फिडेंट रहते हैं कि नहीं अगर सर ने बोला है तो ये 100% ऐसे होंगे। तो मैं सर का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और दिल से जुड़ने का आपने हमको शिष्य चुना इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर विजय सर आप हमसे ऐसे ही बने रहिए और हमें अपना आशीर्वाद देते रहिए। थैंक यू सर एंड हैप्पी टीचर्स डे। स्वस्थ है और मेरा अनुभव है पिछले एक हफ्ते बाद तो बहुत ही शानदार रहा है। सर की एक सबसे जबरदस्त लाइन जो मुझे सबसे अच्छी लगी वही जबरदस्त जिंदाबाद शानदार। थैंक यू, हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू वेरी मच। आई एम फीलिंग प्राउड इन माई सेल्फ कि मुझे इतने अच्छे मेंटर कहूँ टीचर कहूँ या कुछ और कहूँ मुझे खुद पता नहीं। थैंक यू वेरी मच।